कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पर खड़ा होकर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था गोड़ियारी नदी में जो है यहाँ वाला जो है दुकान खोला जा रहा था और इसके बगल में जो दुकान था वो जो बड़ा सा दुकान का आप जो है ढांचा गिरा हुआ देख रहे हैं वो जो है मरम्मत हो चुका था, नीचे भी मिट्टी उनका भर दिया गया था। आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने जो है यहाँ पर खड़ा होकर वो वीडियो बनाया था और यहाँ से जो है नदी में आगे तक जाकर मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन अब जो है 2-3 दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा पूरे दुकान को हटा दिया गया क्योंकि अतिक्रमण के दायरे में ये दुकान आ गया था। आप देख लीजिए ये चूल्हा, देखिए मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में इस चूल्हे को दिखाया था, उस दौरान जो है ये पूरा दुकान यहाँ पर था, दुकान का स्ट्रक्चर था और ये वाला दुकान बोल रहे थे भैया खोल के हम दूसरे जगह ले जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाया था और यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर जो है 2 दिन पहले ही JCB के माध्यम से उखाड़ कर फेंक दिया गया है और इसे आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया क्योंकि अतिक्रमण जो है के दायरे में था, यानी जो भी कांवरिया पथ था कांवरिया पथ में ही ये दुकान आ रहा था जिस कारण से पूरे दुकान को उखाड़कर इधर फेंक दिया गया है। देख लीजिए मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो यहीं पर आकर हमने वीडियो बनाया था, उस दिन मेरे साथ छोटू भी था और पूरा जो है आपको गोड़ियारी नदी का हमने दिखाया था सीन, किस प्रकार का जो है सावन में नजारा रहता है और अभी किस प्रकार का नजारा है, ऐसा करके मैंने वीडियो बनाया था। तो जिन्होंने वीडियो देखा वो कॉमेंट करके बताइएगा, साथ ही जो है पूरा आपको नज़ारा दिखाया था मिला जुला कर सावन और अभी का, कैसे जो है मस्ती करते थे सावन के समय सभी जो है कांवरिये, वो आपको देखने को मिला था। और ये जो दुकान दिखाया था ये दुकान जो है टूट चुका है, दुकान को जो है इधर ले जाकर सारा जो है इसका बांस मलवा बोल सकते हैं एक तरह से वो हो चुका है, इधर फेंक दिया गया है क्योंकि जो है इस बार कांवरिया पथ चौड़ा होने वाला है। इससे एक दो पहले के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया जिनके भी दुकान का कुछ भी ढांचा जो है कांवरिया पथ में आ रहा था सबको तोड़ा जा रहा था, तो जिस कारण से ये बड़ा सा जो है एक दुकान इसे तोड़ दिया गया है जो कि गोड़ियारी नदी में है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ गोड़ियारी नदी और वो जो सामने से पुल है, रात के समय सभी कांवरिये उधर से ही जाते हैं, इधर से नहीं जाने दिया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उधर नदी के उस तरफ जो है प्राइवेट शौचालय भी बनाया जा रहा है और उधर जो दुकान वगैरह देख रहे हैं नदी के उस तरफ जो भी कांवरी नदी में फोटो क्लिक कराते हैं उनको जो है फोटो वहां पर प्रिंट करके दिया जाता है, जैसे आप नदी क्रॉस कीजिएगा तो उधर आपको फोटो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ दिनों में ही जो है क्या से क्या हो गया है यहाँ का दुकान आप देख ही सकते हैं। तो जिस कारण से जो भी कांवरिया पथ में दुकान लगा रहे हैं भाई लोग, जो भी लगा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा भाई पीछे हटके ही लगाइए जिससे कांवरियों को भी चलने में सुविधा होगा और आपका दुकान भी सही रहेगा। क्यों आप लोग ऐसे करते हैं ताकि आपको नुकसान होता है और सरकार को भी आपके पीछे खर्चा करना पड़ता है, पूरा जो है जेसी वगैरह लगाने के बाद जो है आपके दुकान को तोड़ा गया, इसके लिए कितना ज़्यादा सरकारी पैसा भी खर्च हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। जिस कारण से कांवरिया पथ में अगर आप दुकान बनाते हैं, अगर कोई भी कांवरिया पथ में जो दुकानदार है ये वीडियो को देख रहे हैं भाई थोड़ा सा हटके ही बना लिया करो, कांवरियों के लिए भी जो है ये राहत हुआ होगा, उनको भी चलने में सुविधा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। सामने तो नज़ारा आप देख ही रहे हैं, गलत किए हैं तो आपको जो है भुगतना तो पड़ेगा ही, सरकारी जमीन में आप मत बनाइए, कांवरियों को अच्छे से जाने दीजिए क्योंकि 105 किलोमीटर की कांवर यात्रा में वो थक जाते हैं, रास्ता जो है चौड़ा मिलेगा तो उसको चलने में भी सुविधा होगा। तो ये जो है अभी जो भी कुछ नज़ारा है कांवरिया पथ में जो भी हो रहा है, जो भी तैयारी चल रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही और भी कांवरिये भाई बंधुओं तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कांवरिया पथ में क्या कुछ तैयारी चल रही है और इस वर्ष क्या कुछ नया व्यवस्था मिलेगा। हर बार मैं बोलता हूँ ये सारा कुछ, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और जो नए कांवरिये आएंगे उनके तक तो वीडियो जरूर से भेजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कैसे उनको आना है, 105 किलोमीटर की यात्रा कैसे करना है, कैसे बाबा के नगरी में पहुंचकर वो जलार्पण करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, और तब तक जो है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।